राधे राधे दोस्तों, आप कैसे हैं? आपको याद होगा मैंने आपसे एक प्रॉमिस किया था। आज मैं अपनी वही प्रॉमिस पूरी करने के लिए आई हूँ। मैंने आपसे बोला था मैं एक बार आप दाल के समोसे बनाऊंगी। आज मैं वही दाल के समोसे आपके सामने लाई हूँ। अब देखिए उसके लिए हमें क्या क्या सामान चाहिए। ये है मूंग की दाल जो कि मैंने 2.5-3 घंटे भिंगो के रख दी थी। ये देख लीजिए, ऐसे सौंफ, हल्दी, लाल मिर्च, अमचूर पाउडर, पिसा हुआ धनिया, गरम मसाला, जीरा, हींग, ये नमक है और ये देसी घी। अब समोसे हैं तो मैदा से बनेंगे ही। ये मैदा, दाल को हम इसको बिल्कुल नहीं पीसेंगे, हल्का सा दरदरा रखेंगे दाल को मिक्सी में। ये देखिए दाल को ज़्यादा वैसे नहीं पीसना, ये देखिए ऐसी दरदरी सी है ना, ऐसी ही रखनी है आपको। इसमें थोड़ा सा ऑयल डाल लेंगे। कढ़ाई के ऐसे चार तरफ लगा लेंगे जिससे कि दाल हमारी चिपके नहीं। ये देखिए हमारी कढ़ाई गर्म हो गई है। अब इसमें हम जीरा डाल देंगे। अब इसमें अपने ये सारे मसाले डाल देंगे और इनको भून लेंगे। अब इसमें हम दाल डाल देंगे। दाल को लगातार चलाते रहना आप, बंद मत करना, नहीं कढ़ाई में ये दाल लग जाएगी आपकी। स्वाद अनुसार नमक कमी से भी हो जाए। हमारी दाल भुज के तैयार है। इसकी पहचान ये देखिए, अब कढ़ाई से ये चिपक नहीं रही है बिल्कुल भी। ये देखिए इकट्ठी हो जाएगी। इसकी बस यही पहचान है कि ये भुजने के बाद ऐसे इकट्ठी हो जाएगी आपकी दाल। ऐसे करोगे आप, ये देखिए। अब इसको हम साइड में रख देते हैं ठंडा होने के लिए किसी बर्तन में निकाल के। और जब तक हमारी दाल ठंडी होगी तब तक हम अपना आटा गूंथ लेंगे। ये पानी गर्म हो करने के लिए रख दिया है मैंने। समोसा का आटा आप जब भी लगाएं तो उसमें देसी घी का ही मोहन डालें। नमक, अब इसको ऐसे मिक्स कर लेना। अब इसको धीमे धीमे थोड़ा थोड़ा पानी डाल के गूंथ लीजिए। आटा टाइट ही लगाना है, लूज नहीं मारना है। जितना टाइट आटा आपको मड़ेगा उतने ही अच्छे हमारे समोसे बनेंगे। ये देखिए आटा हमारा गूंथ के बिल्कुल रेडी है। अब इसको हम आटे को रेस्ट करने के लिए रख देते हैं 15 मिनट के लिए। थोड़ी सी मैदा पानी में घोल के रख लेते हैं। ये मैंने क्यों घोल के रखी है इसे जानने के लिए आप मेरे वीडियो में लास्ट तक बने रहिए। ये देखिए ये हमारा आटा सेट हो गया है। 15 मिनट हो गए इसको रेस्ट करते करते। इधर हमारी दाल भी ठंडी हो गई। और देखिए जब दाल हमारी गर्म थी ना तो कैसी, फिर हम उसको हाथ से मसल लेंगे तो ऐसी ये दानेदार दाल हो जाएगी।
और अगर आपकी दाल गीली हो तो उसमें हल्का सा भूनते टाइम ना बेसन डाल लेना, ये देखिए, और दाल को दरदरा ही पीसना। बनाना शुरू करते हैं। इसमें हल्का सा हम ऑयल लगा लेंगे, रिफाइंड ले लीजिए आप। वैसे तो ये दाल के समोसे छोटे ही छोटे बनते हैं, लेकिन आप अपने हिसाब से आप छोटे या बड़े बना सकते हैं। ये हम अपनी छोटी छोटी लोइयां काट लेंगे। आप कोशिश करना कि इसमें सूखा आटा ना लगाना पड़े, अगर जरूरत पड़े तो थोड़ा बहुत लगा लेना, ज्यादा मत लगाना। पर ये इस तरह से ऐसे मैं आपको एक भर के दिखाई देती हूँ। वैसे तो मैंने आपको अपनी पिछली वीडियो में बता रखा है कि कैसे बनाती हूँ मैं, फिर भी इस तरह से इसमें ये जो मैदा और पानी का घोल वो इसीलिए बनाया था। इस तरह से अंगूठे को ऐसे बीच में रखना, ऐसे फोल्ड करना, ये देखिए। अब इसको एक चम्मच की सहायता से भर लीजिए इस तरह से दबा दबा के। वैसे तो ये सब चीज़ें मार्केट में भी मिलती हैं बनी बनाई, लेकिन हम घर में बनाते हैं तो एक तो ये साफ़ सुथरी होती हैं, दूसरी बात हम मसाले इसमें अपने हिसाब से डाल सकते हैं, कम या ज़्यादा। अब मान लो बाज़ार में तीखी हैं और आपके बच्चे कम खाना पसंद करते हैं, तो फिर बच्चे कैसे खाएंगे, इसलिए आप घर में ही बनाइए। और मैं बिल्कुल कोई भी रेसिपी आप मेरी देख लीजिए, मैं कोई ज़्यादा वैसी चीज़ सामान डाल के नहीं बनाती हूँ, घर में जो सामान होता है मैं उसी से बनाती हूँ। और आप बाजार से लेके आते होंगे तो एक ना दो बार तो आपके मन में विचार आता ही होगा, खासकर जो आपके घर में बुजुर्ग हैं ना, जैसे मेरे घर में हैं, तो वो उनको कोई भी चीज़ मार्केट से लाओ ना, बोलते हैं खाने के लिए, बोलते हैं पता नहीं कैसे बनाई होगी, पता नहीं कैसे बनाई होगी, लेकिन जब मैं ऐसे बना के देती हूँ ना अपने हाथों से, तो वो भी खा लेते हैं, उनका भी मन करता है खाने का, बाजार की चीज़ खाने का। बच्चे बच्चे तो फिर भी खा लेंगे, लेकिन बड़े लोग नहीं खाते हैं। रिफाइंड लगा लिया करें। पहले चेक कर लेंगे हमारा तेल गरम हो गया है कि नहीं हो गया है। ये देखिए तेल हमारा बिल्कुल गरम हो गया है। अब इस स्टेज पे हम गैस, तेल गरम हो जाए उसके बाद हमें अपनी गैस धीमी कर लेनी चाहिए। अब इसमें हम एक एक करके अपने समोसे, ज़्यादा तेज तेल में समोसे मत डालना, नहीं वो जल खराब हो जाएंगे। बस अब हम इसको ऐसे ही, ना ज़्यादा धीमी गैस ना ज़्यादा तेज, मीडियम फ्लेम पे इसे सेकते रहेंगे। ये देखिए हमारे समोसे सिक चुके हैं। इस स्टेज पे हम अपने समोसों को कढ़ाई में से निकाल लेंगे। देखिए दोस्तों हमारे दाल के समोसे बनकर बिल्कुल तैयार हैं। ये मेरे दिए हुए आप सुझाव से बनाइए तो आपके बिल्कुल परफेक्ट बनेंगे। पहली बात, आपकी अगर दाल गीली हो जाए तो उसमें भूनते टाइम आप हल्का सा बेसन मिला लेना। दूसरी, आप अगर समोसों में समोसे का आटा मारे तो उसमें देसी घी का ही मोहन डालना, नहीं आज मेरे यहाँ देसी घी थोड़ा कम था तो उसमें ये थोड़े से बबल्स पड़ गए हैं, नहीं बबल्स नहीं आते, इस तरह से समोसों की वो रहती है। और तीसरी, उसमें जब भी आप तलें तो पहले अपना रिफाइंड थोड़ा तेज़ गर्म कर लें, उसके बाद गैस को मीडियम कर लें, उसके बाद समोसे डालें, फिर धीमे धीमे आंच पे सेकें। इन दिए हुए सुझावों से आप बनाएंगे तो आपके समोसे एकदम परफेक्ट बनेंगे। ये देखिए, ये जो मैंने परसों चटनी बनाई थी ना, कल ये जो मैंने कल चटनी बनाई थी ना,
ये वही चटनी है, आप एक बार जरूर बना के देखे चटनी, तभी तो आपके समोसों का स्वाद दुगना होगा जब आप ये पहले चटनी बनाएंगे फिर समोसे बनाएंगे। लीजिए पहली बाइट आप लोगों के लिए। और ये देखिए, ये देखिए, आपको एक तोड़ के भी दिखाती हूँ, देखिए कितनी आवाज आ रही है, ये देखिए बिल्कुल अंदर तक फिलिंग है, देखिए। अब आप दोनों चटनी से, ये धनिया की चटनी है, ये इमली की चटनी है, आप दोनों चटनियों से इंजॉय कीजिए। ये लीजिए पहली बाइट आप लोगों के लिए। बनाइए, खाइए, खिलाइए, स्वस्थ रहिए, अपने अनुभव मेरे साथ शेयर कीजिए। धन्यवाद।